तो गाइस आप जो है कुछ इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हो या फिर कुछ इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हो या फिर कुछ इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हो वो भी अपने स्मार्टफोन की मदद से पिक्सल लैब में, तो गाइस आप जो है इस वीडियो पे बने रहना। गाइस मैं आपको पहले बता दूं, जो लोग जो है नए नए यूट्यूब पे वीडियो बनाने आए हैं उनको जो है पिक्सल लैब के अंदर थंबनेल बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता होगा। जब नहीं जानता था थंबनेल बनाने तो मुझे भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, मुझे थंबनेल बनाना सीखना पड़ा। गाइस मुझे जो है काफी ज्यादा टाइम लग गया था थंबनेल सीखने में कि कैसे बनाते हैं पिक्सल लैब की मदद से। तो गाइस मैं जो है काफी लंबा टाइम में सीख पाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इतना आसान ट्रिक बताऊंगा थंबनेल बनाने का, आप जो है मनोज दे जैसा, स्प्रेडिंग ज्ञान जैसा, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है उनके जैसा थंबनेल काफी कम टाइम के अंदर बना सकते हो। गाइस अगर आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो बिना स्किप किए हुए तो आप भी सीख जाओगे कुछ इस तरह का थंबनेल बनाने, और फिर आप जो है अपना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकोगे और ज्यादा से ज्यादा आपको रीच मिलेगा। क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि कोई भी वीडियो YouTube पे चलता है तो उनका जो मेन रीजन होता है वो होता है थंबनेल। किसी को देखने में अच्छा लग रहा है, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है थंबनेल, तभी आपके वीडियो पे क्लिक करेगा और आपके वीडियो को देखेगा। तो गाइस थंबनेल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके वीडियो को चलने में या फिर वायरल होने में। गाइस आपने पहले आपने मूवी भी देखा होगा, कोई भी मूवी रिलीज होता था तो उससे पहले उसका पोस्टर रिलीज होता था जिसमें कि एक फोटो दिखाई देता था जिससे कि लोग जो है समझ पाते थे कि आखिर इस मूवी में क्या है, मतलब कि वो फोटो की मदद से पूरा मूवी को समझ पाते थे। उसी तरह का आपका थंबनेल भी है, आपके थंबनेल को देख के लोग समझ जाते हैं कि आपकी वीडियो में क्या है और आप क्या जानकारी देने वाले हो। तो गाइस इसीलिए थंबनेल तो ज्यादा बेहतर बनाना ही पड़ेगा आपको अगर यूट्यूब पे सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको पिक्सल लैब के अंदर थंबनेल बनाना सिखाता हूँ, आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो गाइस हम आ चुके अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पे, तो गाइस आप जो है इसीलिए नहीं सीख पाते क्योंकि आप जो वीडियो को स्किप करके देखते हो और एंड तक नहीं देखते हो। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो उतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है प्यारा सा लाइक कर दो और जो है अपना कान में ईयरफोन लगा के ध्यान से इस वीडियो को देखो। तो गाइस चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। सबसे पहले जो हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, जैसा कि आप सभी पिक्सल लैब से थंबनेल बनाते हो तो आप जो है ऐसा ओपन करते हो। ये मेरा जो है पिछला वाला थंबनेल है तो इसको मैं जो है हटा देता हूँ। तो गाइस जब भी आप ओपन करते होगे तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके स्मार्टफोन में देखने को मिलता होगा आपको। तो गाइस ऐसा ही इंटरफेस आता है। तो गाइस सबसे पहले हमको करना क्या है, टेक्स्ट पे यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो डिलीट का आइकॉन है, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट रहेगा सिंपली वो डिलीट हो जाएगा। फिर आपको जाना है ऊपर में कॉर्नर पे जाना है और आपको जो है इसमें साइज को सिलेक्ट करना है जो कि आपका थंबनेल का साइज रहेगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कस्ट्यूम का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप जैसे ही नीचे करोगे तो यहाँ चौथा ऑप्शन में आपको जो है पाँचवा ऑप्शन में जो है आपको यूट्यूब थंबनेल का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करोगे तो सिंपली आपका जो इमेज रहेगा वो आपका जो है यूट्यूब थंबनेल का साइज हो जाएगा अपने आप। तो गाइस ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो पे जो है एंड तक बने रहना, स्किप मत करना प्लीज। तो चलिए फिर से हम वीडियो पे चलते हैं। तो गाइस अब हमको करना क्या है, आप जो है हमको कलर चूज करना है। सबसे पहले गाइस आपको थंबनेल में जो है जब तक आपका कलर ग्रेडिंग सही नहीं रहेगा तब तक जो आपका थंबनेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। तो इसलिए जो गाइस आप जो अपने हिसाब से बैकग्राउंड कलर चूज करना, मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको चूज करना है कलर को। तो गाइस हमको कलर चूज करने के लिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टैक्स के बगल में जो है, आप इस पर क्लिक करोगे फिर आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है या चौथा वाला ऑप्शन पे नीचे में आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से जो चौथा ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ कलर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस कलर जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ सिंपल कलर भी लेते हैं एक कलर। तो गाइस अगर आपको जो है दो कलर का इफेक्ट चाहिए, जैसे कि ये मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसा कलर चाहिए आपको, तो सिंपली गाइस ये कलर को आपको बनाना पड़ेगा। आपको बनाना कैसे चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस जैसे ही आपको जो भी कलर लेना है तो सिंपली यहाँ से कलर को ऐसे करके चूज कर लेना, जैसे मुझे ऊपर में चाहिए रेड और नीचे चाहिए ब्लैक। तो गाइस मैंने देख सकते हो आप कुछ इस तरह से, अगर आपको जो है नीचे ऊपर करना है या कलर को चेंज करना है, मतलब ऊपर वाला कलर को नीचे करना है और नीचे वाला कलर को ऊपर करना है, तो सिंपली जो है आपको यहाँ से क्लिक करना है इस पर क्लिक करके
इसको जो है ऊपर कर देना और इसको नीचे कर देना, आपका सिंपली जो है कलर हो जाएगा। तो गाइस अगर आप कलर को थोड़ा सा जो है एडजस्ट करोगे तो आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो कितना दूर जो आपको ब्लैक चाहिए और कितना दूर जो आपको रेड वाला कलर चाहिए, सिंपली आप यहाँ से कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो हमारा हो चुका है। तो सबसे गाइस पहले आप जो थंबनेल बना के इसको जो है यहाँ से सेव कर लो। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप जो है इसमें पिक ऐड करना चाहते हो इस थंबनेल में, अगर आपको पिक्चर को ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे प्लस का आइकॉन कॉर्नर पे देख सकते हो और उस पर आपको क्लिक करना हो यहाँ, और यहाँ पे जो है आपको लिखा रहा है फ्रॉम गैलरी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सिंपली गाइस आप जो अपना जो है PNG जो बना कर रखे होगे इमेज का, तो गाइस आपको जो है PNG बनाना पड़ेगा। अगर PNG बनाने नहीं आता है तो नीचे कॉमेंट करो, मैं जो है आपको डेडिकेटेड वीडियो बना कर समझा दूँगा PNG कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले जो अपना फोटो का जो है PNG लेना, जैसे कि मैं यहाँ से इमेज को डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसका ऐसे करके PNG आपको निकालना है। PNG आपको सिंपली निकाल लेना है। PNG निकाल के अच्छा से इमेज को रिमूव करके और यहाँ से एडजस्ट करके अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, सिंपली एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से जो है आप अपने इमेज को जो है इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आपको चाहिए आप टैग्स, आपको जो है थंबनेल में कुछ लिखना है। तो गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो कि ए का जो है आइकॉन बना हुआ, मतलब टैग्स का जो है आइकॉन बना हुआ और उस पर प्लस है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ सिंपली न्यू टैग्स आएगा, डबल टैप करना है उस पर। डबल टैप करने के बाद जो है सिंपली आपका जो है टैग्स ओपन हो जाएगा और आपको जो है थंबनेल में जो भी लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ मेरे जैसा थंबनेल आप कैसे बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैं आप टाइप करके दिखा देता हूँ मेरे जैसा। तो गाइस मैं जो है आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से जो है आप थंबनेल को बना सकते हो। यहाँ से फॉन्ट को हम चेंज करेंगे, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको नीचे में यहाँ पे फॉन्ट आपको दिखा रहा होगा फॉन्ट यहाँ पे है, आप क्लिक करोगे उस पर और जो भी फॉन्ट आपको चूज करना है आप देख सकते हो कितना सारा फॉन्ट आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। तो गाइस आप यहाँ से अपने जो है फॉन्ट को चूज कर लेना। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इसका जो है बैकग्राउंड को आपको देना है, जैसे कि टेक्स्ट का अगर बैकग्राउंड लगाना है तो गाइस आप ऐसे करके जो है आप अपना टेक्स्ट का बैकग्राउंड लगा पाओगे। तो गाइस इसको जो है हम ऐसे करके सेव कर देते हैं मेरे जैसा और उसके बाद हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे थंबनेल। तो गाइस आप थंबनेल जो है अपने हिसाब से टाइप कर लेना जो कि आपको कैपिटल में चाहिए या बड़े में चाहिए, थंबनेल। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल टाइप हो चुका है और यहाँ पे हम इसको करेंगे इधर से स्लाइड, तो स्लाइड करते हुए इसको हम देंगे फॉन्ट फिर से। तो गाइस इसमें जो है बहुत सारी सेटिंग है, अगर आप यूज करोगे दो दिन तो अपने आप जो आपको पता चल जाएगा, ये कोई जो है मुश्किल काम नहीं, ये भी बहुत ही आसान काम है। तो गाइस मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, इसका जो कलर है मैंने चेंज कर दिया और इस पर जो है कलर में जाऊँगा बैकग्राउंड में, आपको जाना सिंपली बैकग्राउंड में, अगर आपको जो है टेक्स्ट का बैकग्राउंड देना और इस पर जो है ब्लैक कलर हम ऐड करेंगे ताकि जो है ब्लैक में ग्रीन बहुत अच्छे से विजिबल होता है। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है आप टैक्स को ऐड कर पाओगे यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से कुछ इस तरह से जो है टैक्स को ऐड कर पाओगे अपने, मतलब ये में अपने थंबनेल में। और उसके बाद आपको अगर लेयर को जो है थोड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे जा सकते हो, बैकग्राउंड पे जाके यहाँ से आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शन है, इसको इधर फैलाना तो इधर का है, इधर फैलाना है तो इधर का है, और इससे जो है अगर आपको नीचे करना है ऊपर से तो ये है, और इसको जो है थोड़ा कम पतला करना है तो ये है, और इसको जो है गोल करना है तो ये है। तो गाइस आप देख लिए सारा ऑप्शन, यहाँ से जो है आप जैसे ही इधर उधर करोगे तो आप जो ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो गाइस मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा थंबनेल बना रहा हूँ, और भी आप अच्छे से टाइम दे के बनाओगे तो और भी अच्छा बनेगा। तो गाइस मैंने जो है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखा दी है। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपको जो है क्या करना है थंबनेल में ताकि जो है आपका जो है लुक बन सके। आप सोचते होगे कि यूट्यूब का लोगो कैसे लगाना या फिर वो जो बहुत सारे PNG ऐड होते हैं उसमें उसको जो है अपने इमेज में कैसे लाना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है आपको गूगल पे जाना है और जो भी ऐप का लोगो या PNG आपको लेना है, जो भी ऐप का लोगो आपको चाहिए सिंपली वहाँ पे लिखना है ऐप का नाम और लोगो लिखना है और साथ में लिखना है PNG। सिंपली आपको जो है बहुत सारे PNG यहाँ से मिल जाएंगे और आपको जो है अपने फाइल में डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यूट्यूब का जो है PNG मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखा है अपने गैलरी में, वहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे बैठा देता हूँ। सिंपली आपको पहले वाला ही रूल फॉलो करना है, ऊपर में जाना है, प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और सिंपली वहाँ से जो है आपको अपना PNG को ऐड करना जो भी फाइल में आपका PNG रहेगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैंने PNG को डाउनलोड करके रखा था, तो इसको जो है मैं साइज में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से दूंगा। तो
तो गाइस इसको जो छोटा करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से आपको ऐसे करके स्लाइड करना है, ये जो है ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको भी ऐसा ही लोगो लगाना अपने अपने थंबनेल पे, तो गाइस आप जो कुछ इस तरह से अपना PNG को डाउनलोड कर लेना पहले अपने फाइल में गूगल से। अगर आपको PNG को डाउनलोड नहीं करने आता तो मुझे बोलना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड किया जाता है। आप कुछ इस तरह से PNG को डाउनलोड कर लेना अपने फाइल में और उसको जो है हम इस एडिट करेंगे, मतलब उसको जो है जैसे कि ये आपका PNG हो गया, इस पर हमको लगाना है, यहाँ पे लगाना है बगल बगल वाइट कलर वाला जो ये रहता है वो लगाना है हमको, साइड वो लगाना है बगल बगल। तो आप स्ट्रोक में जाना, यहाँ से आप देख सकते हो जो भी कलर का स्ट्रोक आपको चाहिए, सिंपली ग्रीन वाइट जो भी चाहिए आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर जो है गाइस वो भी जो है इसी तरह फ़ोन से ही एडिट करते हैं, और आपको जो लगता है कि लैपटॉप से किया गया, नहीं गाइस ये जो है फ़ोन से ही एडिट होता है, सिर्फ अपना खुद का नॉलेज होना चाहिए। और थंबनेल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको कलर ग्रेडिंग आना चाहिए, मतलब कि कौन सा कलर के साथ कौन सा कलर मैच करता है और कौन सा कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगता है देखने में, ये आपको सिंपली आसानी से पता होना चाहिए, नहीं तो आप जो है एक बढ़िया थंबनेल नहीं बना पाओगे। तो गाइस चलिए मैं आपको जो है सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि जो है मेन चीज़ तो मैं बता दिया, और आपको जो शुरू से अगर आपको। तो गाइस आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आता है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। चल बंद कर।